हेलो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स का म्यूचुअल फंड को लेकर लगातार बढ़ते हुए इंटरेस्ट को देखकर काफ़ी सारे NFO लॉन्च हो रहे हैं। तो अभी आदित्य बिरला सन ने भी नया NFO लॉन्च किया है, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के नाम से। तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसी की 50 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है, लेकिन इक्वल वेट्स में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है इस NFO की सारी डिटेल्स, और एंड में मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाऊंगा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ, ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी रहे। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये हो जाता है कि NFO पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप NFO पीरियड में अगर इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आप इस फंड में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो ये फंड जो है, ये जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है, इसकी 50 कंपनीज में पैसिवली पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स क्या है, ये मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाकर कंपनीज को परचेज और सेल नहीं करने वाला है। जितनी भी कंपनीज जिस भी वेटेज में इस इंडेक्स में रहेगी, ये सिर्फ उसको रेप्लिकेट यहां पर करेगा। अब अगर हम बात करें बेंचमार्क की, तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है वो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स रहने वाला है। और अगर आपको इस NFO में इन्वेस्ट करना है, तो आपको मिनिमम 500 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी पड़ेगी। अब अगर हम इस NFO की पीरियड की बात करें, तो ये NFO 19 मई 2021 से शुरू हो चुका है और 2 जून तक ये NFO खुला रहेगा, और उसके कुछ दिन के बाद ये नॉर्मल पब्लिक की SIP वगैरह के लिए भी फंड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स क्या होता है, तो ये इंडेक्स जो हुआ था लॉन्च, ये हुआ था अप्रैल 2017 को। अब दोस्तों, अगर हम बात करेंगे निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स क्या होता है, तो जैसे कि इसके नाम से भी हमें थोड़ा बहुत समझ आता है कि ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, मेन इंडेक्स जो है, उसमें 50 कंपनीज होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो कंपनीज होती हैं वो मार्केट कैप के हिसाब से वहाँ पर वेटेज होती है। जैसे कि रिलायंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद HDFC बैंक। लेकिन ये इंडेक्स ऐसा नहीं करता है, ये उन सभी कंपनीज को, उन सभी 50 कंपनीज को इक्वल वेट दे देता है। यानी सारी जो कंपनीज है वो 2-2% का वेटेज यहाँ पर रखती है। ये आपको यहाँ पर चीज़ देखनी है कि कंपनी सेम रहेगी जो निफ्टी 50 की है, लेकिन जो उसका वेटेज है वो यहाँ पर अलग हो जाता है। और ये जो इंडेक्स है, ये सेमी एनुअल बेसिस पे रीबैलेंस किया जाता है। अब आइए दोस्तों, और डिटेल में समझने के लिए हम एक बार ही देखते हैं कि जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है वो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में कैसा है और निफ्टी 50 इंडेक्स में कैसा है। तो अब अगर हम यहां पर सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करते हैं, तो जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो फाइनेंशियल सेक्टर का 21% के आसपास, उसके अलावा कंज्यूमर गुड्स में 13% और ऑटोमोबाइल में भी 14% के आसपास यहां पर एलोकेशन है। वहीं मेटल और IT में 10-10% के आसपास की एलोकेशन यहां पर हमें दिख रही है, और इन 5 सेक्टर में मिला के 69% की वेटेज आ जाती है। अब लेकिन जो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से, तो जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसमें भी सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर का ही है, लेकिन वहां पर जो एलोकेशन था वो 38% के आसपास था, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े बैंक्स जो है उनका एलोकेशन ज्यादा है, जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, उसके अलावा आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। तो यहाँ पर 38% की एलोकेशन थी, वहीं IT सेक्टर की 17% की। तो आप देखेंगे कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसकी 50% एलोकेशन इन दो ही सेक्टर में थी, वहीं ऑयल एंड गैस में 12%, कंज्यूमर गुड्स में 11% और ऑटोमोबाइल में 5%। और ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स था, ये इन 5 सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैवी था। 82% जो इसकी एलोकेशन थी वो इन्हीं 5 सेक्टर में थी। तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने वेट इक्वल करने से इतना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि कंपनीज कौन सी हैं टॉप 10 की इन दोनों के ही पोर्टफोलियो में। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं कंपनीज के मामले में, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेटेज हो गया वो JSW स्टील्स का हो गया 3% के आसपास, और टाटा स्टील का 2.71%, वहीं विप्रो का 2.34 और बजाज फिनसर्व का 2.31, वहीं डॉक्टर रेड्डीज लैब भी 2.24 है, डिविज लैब भी 2.23, वहीं हिंडालको इंडस्ट्री 2.2, सिप्ला 2.1, सन फार्मा 2.1, एंड देन बजाज ऑटो का 2.08। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 2% से ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो सेमी एनुअली बैलेंस किया जाता है। तो इस 6 महीने में, सिंस पिछले 6 महीने में स्टील की कंपनीज और ये फार्मा की कंपनीज ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इनका वेटेज अभी 30 अप्रैल को अगर हम देख रहे हैं तो ज़्यादा हो गया है। अब ये जब इस इंडेक्स को सेमी एनुअली दोबारा से रीबैलेंस करेंगे, तो सबको 2-2% का वेटेज ही दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो जाता है कि ये सारी कंपनीज हैं वो 24% का ही एलोकेशन यहाँ पर
रख रही है। अब अगर हम वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स की यहाँ पर बात करते हैं तो उस निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा एलोकेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है 10% के आसपास, वहीं HDFC बैंक का 9.5% और इन्फोसिस का 8%, उसी तरह HDFC का 7% और ICICI बैंक का 6.5%, वहीं TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, HUL, एक्सिस बैंक और ITC का भी यहाँ पर एलोकेशन अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पर यही डिफरेंस आ जाता है कि ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ये इन 10 कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पर रखती है। वहीं जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है ये सभी को बराबर उसमें रखता है, जो कंपनी अच्छा करेगी उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टर का यहाँ पर फायदा होने वाला है। वहीं यहाँ पर ये यह हो जाता है कि रिलायंस, HDFC बैंक, ये शुरू की 5-6 कंपनीज अगर अच्छा नहीं कर रही है तो इन्वेस्टर का नुकसान होने लगता है। तो ये एक डिफरेंट सोच से बनाया हुआ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स यहाँ पर है। अब अगर हम इसके रिटर्न की कंपैरिजन करें आपस में तो अगर हम यहां पर बात करते हैं 5 सालों की, तो 5 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 13.26% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने 11% के आसपास की रिटर्न दी है। और अगर हम पिछले 1 साल में देखते हैं तो यहां पे काफी डिफरेंस आ जाता है। 1 साल में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 48% की रिटर्न दी है, वहीं जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है इसने 64% की रिटर्न दी है। तो बहुत अच्छी रिटर्न है निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम 1 साल में कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से। और वहीं अगर हम सिंस इंसेप्शन बात करें तो सिंस इंसेप्शन लगभग यहाँ पर सेम ही रिटर्न दिख रही है, निफ्टी 50 इंडेक्स ने 11% की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने 11.5% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में आपका इन्वेस्ट करने से बस ये हो जाता है कि जो टॉप की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन पे से थोड़ा सा आपका जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है और 50 की 50 जो निफ्टी 50 की कंपनीज है उसको एक ही तराजू में रख के तोला जाता है। दोस्तों यहां पर बात आती है कि ये एक नया फंड आ रहा है तो क्या यहां पर ऐसा ही कोई फंड ऑलरेडी अवेलेबल है? तो मैंने अगर यहां पर देखा है तो एक फंड मुझे यहां पर मिला है जो ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, DSP का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो ये एक लौता फंड है जो अभी अवेलेबल है मार्केट में जो चल रहा है। इसकी एक्सपेंस रेशो 0.39% है और एसेट अंडर मैनेजमेंट 150 करोड़ के आसपास है। और इसकी रिटर्न अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसने 1 साल में 89% की रिटर्न दी है और सिंस इंसेप्शन इसने 9% के आसपास की रिटर्न दी है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आती है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सीधी सी बात है दोस्तों कि ये अभी NFO है, अभी हम ये नहीं पता कि ये ट्रैकिंग एरर कैसा देने वाला है, ये एक्सपेंस रेशियो क्या रखने वाला है। इस फंड को एक बार ही आने देते हैं, एक बार ही हम देख लेते हैं कि ये ट्रैकिंग एरर कैसा देगा, ये एक्सपेंस रेशियो कैसी रखने वाला है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ये फंड मुझे उन इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल लग रहा है जो निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको एलोकेशन जो है वो इक्वल ही यहाँ पर रखना है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।